नमस्कार दोस्तों, डीजे ऑस्मो एक्शन फोर एक्सटर्नल माइक के लिए मोटो ब्लॉगिंग के लिए बोया का PYK4 Raptor परचेस किया, साथ में मोनो का जो एक माइक वो भी परचेस किया। आज इसी का ही ऑडियो सैंपल आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग के लिए कैसे रहेंगे टेस्ट करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके, तो ये रहा बोया BYK4 Raptor जिसका प्राइस 1500 रुपये। ओके, तो नॉर्मल सा एक पैकेट में ये दे दिया है। ओके, तो ये Type 2 TRS पिन है। ओके, और ये रहा मोनो का जो माइक, इसका प्राइस 500 पड़ा। ओके, तो इसे ओपन करते हैं। बॉक्स में एक पाउच है, इस पाउच को हम यूज़ कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी के। यहाँ तो पाउच मैंने ओपन किया, तो ये रहा माइक। जो ये जो 4 पिन वाला है ना, ये TRS पिन है। ओके, TRS पिन है। तो ये बोया का जो एडाप्टर है इसमें 3 पिन मतलब TRS पिन है। तो इसके साथ एक जो है कनेक्टर वो भी दे दिया है। देखिए, ये है TRS पिन और ये जो है 4 पिन वाला जो है TRS पिन है। ये पिन आप जो है किसी भी स्मार्टफोन में डायरेक्ट लगाकर आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो साथ में ऐसा 2 क्लिप दिया है। ओके, क्लिप, तो इसके लिए आपको फर्स्ट ये जो पिन है ऐसे आपको कनेक्ट करना है। ओके, कनेक्ट हो गया। इसके बाद आपको इस बोया का जो BYK4 जो कनेक्टर है इसमें आपको ऐसे लगाना पड़ेगा और फिर आपको इसको टाइप सी पोर्ट में। तो दोस्तों, मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। ओके, अब मैं इसे पावर ऑन करता हूँ। देखिए, माइक जो है कनेक्ट हो गया है, ये ग्रीन जो सिंबल। ओके, इसके साथ सेटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर टैप करेंगे सेटिंग आइकन पर। ऑडियो का जो सैंपल आपको शायद ना दिखे। ओके, यहाँ पर टैप करना पड़ेगा। फिर देखिए, चैनल जो है मोनो पर सेट है। इसके बाद जो है गेन आप जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट 0 गेन पे टेस्ट करके आप लोगों को बताने वाला हूँ बाइक रेटिंग। इसके बाद -5 तक 20 तक आती है, तो -5 तक टेस्ट करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके, तो 0 गेन। ओके, तो दोस्तों देखिए, मैंने जो सेटअप कुछ इस तरीके से किया है। ओके, एंड मैंने जो माइक है यहाँ पर लगा दिया है। देखिए, यहाँ पर है माइक। ओके, तो चलिए आप जो है ऑडियो सैंपल कैसे आते हैं मोटो ब्लॉगिंग में मैं बाइक राइडिंग करके आप लोगों को बताता हूँ। ओके, तो दोस्तों अभी जो ऑडियो आप सैंपल सुन रहे हैं वो है बोया BYK4 Raptor साथ में मोनो का जो माइक है, एंड चैनल जो है स्टूडियो पर है, एंड गेन जो है 0 dB पर है। ओके, तो इससे आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं तो आपको मोटो ब्लॉगिंग के लिए कैसे ऑडियो आपको मिलेंगे। ओके, तो दोस्तों अभी जो ऑडियो सैंपल आप सुन रहे हैं चैनल है स्टूडियो पर, एंड गेन जो है -5 dB। ओके, तो चलिए, मेरा हाइजर ओपन है अभी, अब मैं हाइजर बंद करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने हाइजर जो है बंद कर दिया, तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है कैसे साउंड मिल रहा है या नहीं, एंड मैंने शायद माइक है सही जगह इनपुट किया नहीं। ओके, तो उसे इग्नोर करें। ओके, इसके अलावा जो है -20 तक गेन आते हैं, 20 dB तक। ओके, अभी जो ऑडियो सैंपल आप सुन रहे हैं वो स्टूडियो मोनो पर है, एंड गेन जो है -10 dB पर है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे ऑडियो क्वालिटी मिलता है। तो मेरा हाइजर जो है ओपन है अभी। ओके, एंड स्पीड, अब मैं हाइजर बंद करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो है हाइजर बंद किया, तो आप जो है इससे आइडिया ले सकते हैं कि ऑडियो क्वालिटी आपको कैसे मिल रहा है। ओके, तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है कैसे ऑडियो मिल रहा है या नहीं, एंड मैंने शायद जो माइक सही जगह लगाया नहीं। ओके, सेट किया नहीं।
अभी जो बाइक देखिए। ओके तो एनाब दोस्तों, तो दोस्तों यही था ना बोया BYK4 एडाप्टर एंड मोनो का जो माइक का जो ऑडियो सैंपल टेस्ट। ओके तो आई होप मैंने वीडियो में सही इन्फॉर्मेशन दिया, एंड वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाई।